हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर नाइन पॉइंट वन जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अब मैं नाइन पॉइंट वन टू थ्री इस तरीके से वर्क कर दूँगी जितने भी मेन राइटर्स एज ऑफ रिवाइवल के अंदर आएंगे उनको मैं इसमें डाल दूँगी नाइन पॉइंट समथिंग करके सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इरासमिस थॉमस मोर एंड विलियम टिंडेल जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है या तो देख लेना या फिर पहले देख लीजिए उसे बिकॉज़ हम कर रहे हैं एज ऑफ रिवाइवल के अंडर में जितने भी मेन मेन ऑथर्स थे राइटर्स थे उनके वर्क्स को और उनकी बायोग्राफी जो जो मेन मेन पॉइंट्स है सिर्फ उनको ऐसा नहीं कि डीपली हम किसी भी राइटर के बारे में वर्क को कर रहे हैं सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिचर्ड टॉटल और थॉमस वॉट के बारे में हैंनरी हॉवर्ड के बारे में इनको छोड़ने के बाद हमारे पास हैं रॉजर आश्रम तो इन सबको करेंगे थॉमस एलियट भी हैं ये टी एस एलियट नहीं है थॉमस एलियट है और अगर टाइम मिलेगा तो एक और ऑथर है राइटर हैं उनको भी कर लेंगे विलियम डनबर को सो so, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो कि है हमारे रिचर्ड टॉटल सो so, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ऑफिशियली पब्लिश द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री उससे पहले एंथोलॉजी पब्लिश नहीं हुई थी एंथोलॉजी मतलब कि उसमें एक एक स्पेसिफिक वर्क होगा और उसके अंदर बहुत सारी पोइट्रीज़ कलेक्ट होकर पब्लिश होंगी सो ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पर्सन हु पब्लिश फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री ये एक नोटेबल राइटर भी हैं पब्लिशर भी हैं और इन्फ्लुएंस हुए थे ये इन्फ्लुएंसर हैं मेम्बर ऑफ लीगल कम्यूनिटी के भी अब इनकी जो शॉप थी क्योंकि ये एक पब्लिशर थे तो पब्लिशिंग हाउस तो इनका कहीं ना कहीं होगा ना शॉप तो होगी ही तो इनकी जो शॉप थी वो लोकेटेड थी एट टेम्पल बार अब टेम्पल बार का जो नेम है दिस इज़ सो मच एरोनिक क्योंकि टेम्पल और बार दोनों ही वर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं और वो लंडन में था वहाँ पे इनकी प्रिंटिंग की जो शॉप थी वो थी और ही इज़ नोन फॉर अ कलेक्शन जो कि इन्होंने एडिट किया था एंड देन ही पब्लिश इट इन 1557 और इसका नाम था टोटल्स मिसलैनी अब टोटल्स मिसलैनी को सॉन्ग्स एंड सॉनिट्स भी बोलते हैं ये सब क्या है हम अभी वर्क देखेंगे इनके बारे में आपको ज़्यादा डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज हम इनको कर रहे हैं क्योंकि एक पब्लिशर थे एंड ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी को पब्लिश किया था जस्ट बिकॉज ऑफ इट और इनका एक वर्क है जो अभी हम कवर करेंगे अब क्योंकि एक पब्लिशर थे तो इन्होंने बहुत सारे ऑथर्स के राइटर्स के वर्कस को पब्लिश किया है जैसे कि विलियम बैल्डविन थे उनका एक वक्त था ट्रेडी ऑफ मोरल फ़िलोसफी एंड कॉन्टेनिंग द सेंगस ऑफ द वॉइस अब इसकी जो स्पेलिंग है ये इस तरीके से है बिकज़ ये उस टाइम पे लिखी गई थी तो आप इसमें करेक्शन नहीं करेंगे कि फ़िलासफ़ी की स्पेलिंग ऐसी होती है मॉरल की स्पेलिंग गलत है या फिर कॉन्टेनिंग की स्पेलिंग गलत है सेंग की स्पेलिंग में प्रॉब्लम्स है तो ये उस टाइम की लैंग्वेज के हिसाब से इसमें वर्ड यूज़ हो रखे हैं सेकेंड था इन्होंने थॉमस मोर का एक वर्क था उसे पब्लिश किया था अ डायलॉग ऑफ कम्फर्ट अगेंस्ट ट्रिवल्यूशन सेकेंड वर्क था उन्हीं का वर्कस उनका नाम ही वर्कस था उसको पब्लिश किया था जॉन लिडगेट का वर्क इन्होंने द फॉल ऑफ प्रिंस को पब्लिश किया था फॉल ऑफ प्रिंसेज हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है अपने लास्ट टू लास्ट आई थिंक वीडियोज़ में कि इन्होंने लिडगेट ने फॉल ऑफ प्रिंस को बेकोशियो का एक एक आ, बेकोशियो ने ट्रेजिडीज़ लिखी हैं उसका एक कॉम्बिनेशन सा है उसमें उन्होंने काफ़ी ट्रेजिडीज़ लिखी है तो इन्होंने उस चीज़ को कहीं ना कहीं कॉपी किया है ट्रांसलेट किया है फॉल ऑफ प्रिंस नाम देके इंग्लिश में सिसैरो का एक वर्क है इन्होंने वो भी पब्लिश किया था द ऑफिस स्पेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्पेलिंग ओ डबल एफ आई सी डबल आई एस है उसके बाद इन्होंने सेकेंड एंड फोर्थ बुक ऑफ विजल्स एनेड की एनेड को भी पब्लिश किया था जो कि हॉवर्ड का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में हॉवर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी में अभी थोड़ी देर में ही कवर करेंगे अब थॉमस टसल के भी इन्होंने एक वर्क पब्लिश किया है जिसका नाम है आ हंड्रेड गुड पॉइंट्स ऑफ हस्बेंड्री वेर ही टॉक्स अबाउट वेर ही मेरी टॉक्स अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री उसके बाद बात आती है सबसे फेमस वर्क विच इज़ टोटल्स मिसलेनी टोटल्स मिसलेनी को सॉन्ग्स एंड सॉन्ट्स भी बोलते हैं इसमें टू सेवेंटी वन पोएम्स हैं पोइट्री का एक कलेक्शन है ये इसमें नाइन्टी वन जो पोइट्रीज है टू सेवेंटी वन में से नाइन्टी वन जो पोएम है वो वॉट की हैं जो कि नेक्स्ट पोइट हम डिस्कस करेंगे थॉमस वॉट की और थर्टी सिक्स जो पोएम है वो है हॉवर्ड की तो आप देखिए कि आगे वाले जो नेक्स्ट दो पोइट हैं ऑथर्स हैं उनके वर्क्स इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं इसमें टू सेवेंटी वन में से सिक्सटी सोनेट्स थे नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पोइट जिसका नाम है थॉमस वॉट थॉमस वॉट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी आपको जानने को मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि कैसे इस बंदे को भी लास्ट में किस तरीके से इसको यहाँ वहाँ भेजा जाता है जो किंग थे हैंनरी द एट्थ उनकी जो सिक्स वाइफ्स थी उसका एक बार फिर से इसमें रेफरेंस आएगा तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसकी सिक्स वाइफ थी सेकेंड वाइफ का नाम क्या था ये सब चीज़ें सो so, इसके जो फादर थे थॉमस वॉट के जो फादर थे हिज फादर वॉज अ ट्रस्टेड मेम्बर ऑफ हैंनरी द एट्थ्स कोर्ट कि उनके कोर्ट में एक अच्छे ट्रस्टेड पर्सन थे और जो थॉमस वॉट थे ही वॉज गुड लुकिंग चार्मिंग एंड इंटेलिजेंट एज वेल तो ऑब्वियसली बात थी ही वॉज काइंड ऑफ फेमस इन द कोर्ट तो जब ये फेमस थे तो इन चीज़ इनसे कुछ और चीज़ें भी डेवलप हो रही थी जैसे कि ही वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन एनबुलिन एनबुलिन कौन थी शी वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ हैनरी द एट्थ फर्स्ट वाइफ को डिवर्स देने के बाद कैथरीन ऑफ आर्गन को डिवॉर्स देने के बाद हैंनरी द एट्थ ने एनबुलिन से शादी कर ली थी तो ही वॉज द पर्सन जिसका उसके साथ अफेयर चल रहा था एन ऑफ एनबुलिन के साथ अफेयर चल रहा था तो ये जब अफेयर ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो पाया बिकॉज हैनरी द एट्थ नहीं है ही सेंट हिम टू अ डिप्लोमेटिक मिशन टू फ्रांस एंड इटली अब जब फ्रांस एंड इटली चले गए तो वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी पोइटिक फॉर्म को देखा इनकाउंटर किया पोइटिक फॉर्म को स्टाइल्स को और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से इन्फ्लुंस हुए कि वो किस तरीके से अपनी पोइट्री को प्रजेंट करते हैं किस तरीके का इस्टाइल यूज़ करते हैं वहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं इटालियन पोइट्रिक फॉर्मेट को भी कहीं ना कहीं ब्रॉड किया टू तो इंग्लैंड वहाँ से जब चीज़ें देखी तो उसे इंग्लैंड में भी लेके आए अब जब वो वहाँ से वापस आए अपने डिप्लोमेटिक मिशन के बाद तो उन्हें ऑनर मिला पोजीशन मिली प्लस इन्हें फेवर भी मिला फेवर किसका हैनरी द एड्स का क्योंकि डिप्लोमेटिक मिशन पे गए थे तो ऑब्वियसली किंग का फेवर मिलना था प्लस एनबुलिन का कि इन दोनों का फेयर चल रहा था इसके बाद इन्हें एक टाइटल भी दिया जाता है टाइटल मिल जाता है इन्हें नाइट हुड का नाइट हुड का मतलब होता है कि आपको टाइटल में सर लगा दिया जाएगा सर थॉमस मोर इस तरीके से हम अगर किसी को बोलते हैं तो तो इनके नाम के आगे भी सर लग गया और अब हम इन्हें थॉमस वॉट ना बोल के सर थॉमस वॉट बोलते हैं क्योंकि इनको एक नाइट हुड का टाइटल मिल गया था अब देखिए कि सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था लेकिन सडनली इनको इनप्रजेंट किया जाता है फ़ॉर द फर्स्ट टाइम इन्हें दोबारा से भी करेंगे लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जो रीज़न था वो बोला गया कि इनके जो डिस्प्यूट्स हो रहे थे डिस्प्यूट्स विद ड्यूक ऑफ सेल्फॉक थे लेकिन जो मेन रीजन था वो ये था बिकॉज जो द एट्थ थे ही गॉट टू नो अबाउट हिज रिलेशनशिप और हिज अफेयर विद हिज वाइफ एंड बुलिन जब उसे पता चला कि इसकी वाइफ को इस बंदे का अफेयर चल रहा है ही एग्जीक्यूटेड एंड बुलिन ये बोलते हुए कि वो विच क्राफ्ट में है लेकिन उसका मेन लॉजिक क्या था कि क्यों उसे दूसरी शादी करनी थी प्लस उसका अफेयर चल रहा था तो जब इसको एग्जीक्यूट करवा दिया गया तो दोबारा से थॉमस uh, वॉट को जेल से रिहा कर दिया गया प्रिजन से निकाल दिया गया पहले प्रिजन में डाला एन बुलेट को एग्जीक्यूट किया एग्जीक्यूट होने के बाद इसको दोबारा से प्रिजन से निकाल दिया गया और दोबारा से हैं द एथ का फेवर जो था उसके ऊपर वो दोबारा से स्टार्ट हो गया उसको वही फिर चीज़ें फिर से मिलने लग गई अब इसे दोबारा से, से इनप्रेजेंट किया गया ट्रेजन के चार्ज में क्या आप देशद्रोह कर रहे हैं और इस बार से माफ़ कर दिया गया क्यों क्योंकि इसे माफ़ किया था कैथरीन ने कैथरीन हॉवर्ड ने और कैथरीन हॉवर्ड जो कि हैंनरी द एट की फिफ्थ वाइफ थी वो थी एक कज़न थी जो थॉमस वॉर्ड थे इनकी क्लोज फ्रेंड थे उनकी कज़न थी तो इसलिए एक रिलेशन टाइप में हो गया और उन्हें माफ़ कर दिया गया अब हैंनरी द हाव अब हैंनरी हॉवर्ड और जो थॉमस वॉट है इन दोनों को कही कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं माना जाता है क्रेडिट दिया जाता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग इटालियन सोनेट इन इंग्लिश लैंग्वेज इटालियन सोनेट बिकॉज ये फ्रांस और इटली गए थे डिप्लोमेटिक मिशन पे और वहाँ से ये कहीं ना कहीं जो उनका पोइट्रिक फॉर्मेट था उसे लेके आए थे तो वहाँ पर उस टाइम पर पेटराज पे पे फेमस थे आपको पता है कि पेटराज के सोनेट बहुत फेमस है और वो इटालियन थे तो वो वहाँ जब ये वहाँ पर गए तो जब वहाँ से वापस आए थे अपने पेटरा चो सोनेट फॉर्मेट था उसे लेके आए जिसमें मेनली फोर्टीन लाइन्स होती हैं जो कि डिवाइड होती हैं एट लाइन्स एंड देन सिक्स लाइन्स के सिक्स uh, लाइन और एट लाइन्स डिवाइड हो जाती हैं ऑक्टिवर सेटेव में और हॉवर्ड जो होते हैं मतलब कि जो इनके फ्रेंड जिनको हम बोल रहे हैं कि इन दोनों को मिला के बोला जाता है कि इन दोनों ने इटालियन सोनेट को इंट्रोड्यूस किया है तो हॉवर्ड ने शेक्सपियन सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में वो कैसे किया वो हम नेक्स्ट में देखेंगे अभी नेक्स्ट पोइट की जो है हैनरी हॉवर्ड क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा कुछ डीप में घुसने की जरूरत नहीं है जस्ट आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है जो कि स्क्रीन पे आपको मिल जाएंगी और हैंनरी हॉवर्ड ने ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया है इस पर आप स्टार्ट मार्क कर सकते हैं इंग्लिश में और वो कब हुआ जब ही वन ही वॉज वर्किंग ऑन हिज ट्रांसलेशन जो कि ये वर्जल के एनिट जो है उसको ट्रांसलेट करे थे सेकेंड एंड फोर्थ बुक को तो उस टाइम पर इन्होंने ब्लैंक वर्ड को डिस्कवर किया डेवलप किया बट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट तो वहाँ पे उस वर्क में इन्होंने उस चीज़ को यूज़ किया और उसके बाद से हमारे पास ब्लैंक वर्ड्स है जैसे कि ने राम रॉयल को स्टार्ट किया था डेवलप किया था उसी तरीके से अब हैनरी द एट्थ के साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे क्लोज़ कनेक्शन थे वाई ही वॉज सो मच क्लोज विद द दुनार्की बिकॉज ही वॉज द एपरेंट हेयर मतलब कि ऐफा एक टाइम पीरियड था जब हैनरी द एथ्थ को मेल सक्सेसर नहीं हो रहा था तो इट वॉज डिसाइडेड कि अगर हैंनरी द एर्थ विदाउट एनी सन अगर उनकी डेथ हो जाती है तो हैंनरी द ये जो हैनरी हॉवर्ड है ही विल बी द नेक्स्ट किंग वो सीधे सीधे थ्रोन पे चले जाएंगे ही विल बी द रूलर ये बोल दिया गया तो उस टाइम पे इतने ज्यादा राइवल्स हो रहे थे बहुत सारे लोग इनके अगेंस्ट में कॉन्स्पायर करने लग गए इनको अक्यूज़ करने लग गए कि ये कहीं ना कहीं जो उस टाइम पे प्रिंस एडवर्ड थे उनको मारना चाहते हैं एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इससे क्या वो बहुत ज़्यादा लोगों का एक तरीके से बोल सकते अगेंस्ट हो गए हॉवुड के कि नहीं ये किंग नहीं बनेगा ये है वो है तो लास्ट में इनको बीहेडिट करवा दिया गया एग्जीक्यूट करवा दिया गया एट अ वेरी स्मॉल एज तो उस टाइम पर इनकी एज इतनी कम थी कि इनके ज़्यादा वर्क हमारे पास है नहीं अब इन्होंने लिटरेचर में हमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं एक चीज़ तो ये कि इन्होंने जो हम बोलते हैं अब हम बोलते हैं शेक्सपियरियन इन सोनेट इन्होंने उस सोनेट का फॉर्मेट डिस्कवर किया था डेवलप किया था ऑल अब क्वेश्चन वाली बात यह है कि फिर हम ये क्यों नहीं बोलते कि हॉवर्डियन सोनेट हम ये क्यों बोलते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट जस्ट बिकॉज क्योंकि हॉवर्ड ने उसे डेवलप तो किया था लेकिन उन्होंने उसे इतना यूज़ नहीं किया क्योंकि इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई भी हेडिट करवा दिए गए वहीं पे जो शेक्सपियर थे उस बंदे ने इस फॉर्मेट को इस सोनेट के फॉर्मेट को पॉपुलराइज़ किया बहुत ज़्यादा यूज़ किया इसीलिए हम बोलते हैं कि शेक्सपियर इन सोनेट उसको नाम पड़ गया लेकिन हॉवर्ड को लोग भूल गए तो आप ये चीज़ माइंड में रखिए कि ये डेवलप किया था हॉवर्ड ने ना कि शेक्सपियर ने ना कि शेक्सपियर ने वो सिर्फ नाम मिला है सेकेंड चीज़ ये कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ब्लैंक वर्स जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था ब्लैंक वर्स मतलब कि आएम्बिक पेंटामीटर होगा और लाइन्स जो होंगे उसमें राइम नहीं होंगे कोई राइम होने की जरूरत नहीं है अब इन दोनों को मिक्स करके मतलब कि थॉमस वॉट और हावुड को बोला जाता है दे वर द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट बिकॉज वॉट ने इटालियन सोनेट को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करा और उन्होंने यहाँ पे लाके एक नया तरीके से लिखना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो इटली और फ्रांस में गए थे और हॉवर्ड को इसलिए क्योंकि इन्होंने शेक्सपियर एंड सोलेंट को स्टार्टअप किया था डेवलप किया था इसीलिए इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज में सोलेंट्स की स्टार्टिंग हुई थी अब इनकी थर्टी सिक्स पोइट्री हैं वो टोटल्स की मिसलैनी में भी आती है अब एक चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अर्ल ऑफ सरे बोला जाता है इन्हें एस यू डब्लू आर ई वाई ये टाइटल है जो कि इनको दिया गया था हैंनरी हॉवर्ड को ये टाइटल दिया गया था तो कभी कभी बोल देते हैं हु इज द पर्सन हु इज़ नोन एज द अर्ल ऑफ सरे तो आपको याद रखना है कि हेनरी हॉवर्ड को अर्ल ऑफ सरे बोला जाता है और रोजे राशियम इसकी स्पेलिंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको ए एस सी एच ए एम अब ही वो अ ब्रिटिश ह्यूमनिस्ट ह्यूमनिस्ट मतलब कि जो बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए वो अकॉर्डिंग टू तो सिटीजन होने चाहिए उनके एजुकेशन को भी बिहाफ में रखना चाहिए ये सब मेनली जो ह्यूम्स के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम पर कि गवर्नमेंट की चीज़ें सिटीज़न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और ये एक डायरेक्टिक राइटर है विच मीन्स कि इनके जो वर्क है वो कहीं ना कहीं एक मॉरल लेसन या फिर टीचिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे इन इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया है प्रमोट किया है वर्नाकुलर लैंग्वेज को वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है द लैंग्वेज विच वॉज यूज एट दैट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज जो उस टाइम पर यूज़ हो रही थी इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है थ्योरीज ऑफ़ एजुकेशन अब एजुकेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी तो चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि ही वॉज़ द पर्सन ही वॉज द पर्सन जो कि एलिजथ फर्स्ट के ट्यूटर थे मेरी जो मेरी क्वीन थी ब्रडी मैरी उनके ट्यूटर थे लेडी जैन ग्रे के ट्यूटर थे एलिजाबेथ uh, को ये ग्रीक एंड लेटिन पढ़ाते थे सिखाते थे उस टाइम पे इन्हें इसलिए रखा गया था और ये मैरी जो थी लेडी मैरी उनके सेक्रेटरी भी थे और लेडी जैन को इन्होंने पढ़ाया है तो इनका incoming... मेन टारगेट या फोकस क्या था एजुकेशन ऑफ वेमेन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स क्योंकि इन्होंने एजुकेशन पे फोकस दिया जस्ट बिकॉज की अगर वो एजुकेटेड रहेंगे तभी वो एक अच्छी कंपेनियन बनेंगी अच्छे से रूल करेंगी क्योंकि इनका मेन मुद्दा था एजुकेशन को लेकर इनके मेन मेन दो वर्क है जो फेमस है फर्स्ट इज टॉक्सोफिलिस टोफिलिस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है लवर ऑफ द बो बो मतलब जो धनुष का यूज़ करते हैं वो वो जो आर्ट होता है तो ये वक्त इन्होंने डेडिकेट किया था हैंनरी द एर्थथ को अब हैनरी द एट्थ को कोई टारगेट कर रहा था कोई उनको डेडिकेट कर रहा था ये चीज़ आप देखिए कि अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है ठीक है कोई किसी को प्रेस कर रहा है तो कोई किसी को एडमायर कर रहा है कोई किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है इस बुक में मेनली इन्होंने क्या बात करी है इस बुक में इन्होंने मेनली बताया है कि जो प्रैक्टिस होती है लॉन्ग बो और शॉर्ट बो दो तरीके से शूट किए जाते हैं बोज तो उसमें लॉन्ग बो का प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए और ये बुक फर्स्ट बुक थी आर्चरी को लेके आर्चरी मतलब जो धनुष चलाने की जो वो होती है एक आर्ट होती है उसको लेके ये फर्स्ट बुक लिखी गई थी इंग्लिश लैंग्वेज में इसके प्रोफेस में इन्होंने बोला है दैट ही इज़ राइटिंग इंग्लिश मैटर इन इंग्लिश टंग फॉर इंग्लिश मैन कि सब कुछ इंग्लिश इंग्लिश का मुद्दा लिख रहे हैं इंग्लिश लोगों के लिए लिख रहे हैं और इंग्लिश ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं इसमें प्लेटॉनिक डायलॉग है जैसे कि दो बंदों के बीच में डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है एक का नाम है टॉक्सोफिलिस एक का नाम है फिलोलोगस इनका सेकेंड वर्क है द स्कूल मास्टर स्कूल मास्टर की स्पेलिंग यहाँ पर अलग है एस सी एच ओ एल ई है डबल ओ एल नहीं है ये इनके डेथ के बाद पब्लिश हुई थी विच मीन्स पोस्ट मस्टली ये पब्लिश हुई है ये मेनली डील करती है विद द इम्पोटेंस ऑफ एजुकेशन क्योंकि एजुकेशन इनके वर्क में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज ही वॉज अ ट्यूटर एज वेल तो इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया है उन्होंने बोला है कि किस तरीके से जो एजुकेशन है इट शुड बी स्प्रेड अक्रॉस द इंग्लैंड अब नाउ वी हैव द अनदर पोइट और ऑथर जिनका नाम है थॉमस एलियट एलिट की स्पेलिंग अलग है ई एल वाई ओ टी है टी एस एलियट वाला ये बंदा नहीं है तो ही वॉज द सपोर्टर ऑफ ह्यूमेनिस्ट तो रोज रैशम और ये एलियट जो हैं थॉमस एलियट दे बोथ वर्ड द ह्यूमेनिस्ट कहीं ना कहीं उसके सपोर्टर्स थे और इनके वर्क्स में भी कहीं ना कहीं एजुकेशन जो वीमेन की एजुकेशन है उसका जो मुद्दा है वो प्रोमिनेंट है तो इन दोनों को आप साथ में अगर पढ़ोगे तो भी ईजी हो जाएगा आपके लिए क्योंकि दोनों ने कहीं ना कहीं सेम मुद्दों के बारे में बात करी है इनके वर्क्स में इन्होंने थॉमस मोर को सपोर्ट किया है और अदर जो ह्यूमेनिस्ट ऑथर्स थे उनको सपोर्ट किया है इन्होंने बोला है कि वुमेन शुड बी एजुकेटेड जैसे कि रोजर ऐशम ने बोला था बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एन ह्यूमेनिस्ट उन्होंने भी एलिजाबैथ मैरी को ट्यूटर किया था तो इसी तरीके से थॉमस एलिट भी बोलते हैं कि वुमेन शुड बी एजुकेटेड जस्ट बिकॉज क्योंकि एक वुमेन जब एजुकेटेड होगी ओनली देन अ वुमेन वुड बी अ परफेक्ट एंड आइडियल कम्पेनियन ऑफ अ मैन कि मैन के पास अगर उसे कम्पेनियनशिप में रहना देन इट शी शुड बी एजुकेटेड राइट तो यहाँ से क्या होता है यहाँ से कहीं कही ना कहीं फेमुनिज्म जो वाइब्स होती हैं वो है स्टार्ट हो जाती है फेमुनिस्ट वॉइस स्टार्ट होती है कि वेमेन्स के राइट के लिए भी हाँ कोई बंदा बोल रहा है स्टार्टअप करा है किसी ने इनके मेन मेन वर्कस में द डिफेंस ऑफ गुड वमेन द बुक नेम द गवर्नर ये इनकी स्पेलिंग आप ऐसे देख लेना यहाँ पर कुछ अलग अलग स्पेलिंग्स थी उस टाइम पे द कैसल ऑफ हेल्थ द कैसल ऑफ हेल्थ में इन्होंने मेनली मेडिसिन के बारे में बात करी है उन्होंने एक लेटिन में डिक्शनरी पे निकाली थी ये फर्स्ट डिक्शनरी थी हमारी जो हम बोल सकते हैं फर्स्ट डिक्शनरी तो वो लेटिन में थी वेयर ही मेनली एम्स टू इंट्रोड्यूस ऑल द क्लासिकल एंड इटालियन ऑथर्स इन लाइट की जितनी भी ऐसे ऑथर्स हैं इटालियन हैं जो कि हम नहीं जानते उन सब का नाम इसमें इसने लिखा था ताकि लोग उनको जान सकें वी हैव विलियम डम्बर इनकी स्पेलिंग है डी यू एन बी ए आर बट यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज डम्बर एन की जगह आपको एम यूज़ करना है तो वो उस तरीके की उनकी स्पेलिंग है इनको बोला जाता है स्कॉटिश जोसेरियन वाई चौसेरियन बिकॉज चौसेरियन कौन है वो पीपल जिन्होंने कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड ऑफ राइटिंग मटेरियल यूज़ किया सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर यूज़ किया या फिर पोइट्रिक डिवाइस यूज़ किए जैसे कि चौसर ने किए थे और स्कॉटिश क्यों बिकॉज ही बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड तो ही वॉज एन स्कॉटिश चौसेरियन ये क्वेश्चन एक बार दो बार आई थिंक आ चुका है नेट के पेपर में क्योंकि ये दो तीन बार पूछ लेते हैं कि किस बंदे को बोलते हैं जो स्कॉटिश जोसेगिन है अब इन्होंने उस टाइम पे लिखा था जो टाइम पीरियड गोल्डन एज बोले थे गोल्डन एज ऑफ स्कॉटिश पोइट्री कि स्कॉटलैंड में जिस टाइम पे एक अच्छी पोइट्री लिखी जाती थी इस बंदे ने उस टाइम पीरियड में लिखा है मतलब कि इसकी पोइट्री भी फेमस होंगी ये कहीं ना कहीं अटैच थे जो किंग जेम्स थे फोर्थ उनके कोर्ट से अटैच थे इन्होंने मोर देन हंड्रेड पोइट्रीज लिखी हैं नो मैटर वॉट इन्होंने क्या लिखा अपने मोड़ के माइंड पे अपने माइंड को लेके मूड पे लेके मूड कैसा है उन सब चीज़ों को लेके इन्होंने हंड्रेड पोएट्री प्लस हंड्रेड पोइट्रीज लिखी हैं फेमस वर्क इनका है लेमेंट फॉर द मेकर्स मेकर्स की स्पेलिंग यहाँ पर अलग है आप इसमें माइंड को ध्यान में रखिए और मेकर्स मतलब है पोइट्स तो लेमेंट्स फॉर द पोइट्स का क्या मतलब है इस वीडियो में मेली इन्होंने क्या बताया है ही सम हाउ फीलिंग सैड फॉर द पोइट्स फॉर द फेलो पोइट्स मेनली हु आर नॉट पार्ट ऑफ लाइफ नाउ कि जिनकी डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे मेनली वो किस किस को एडमायर कर रहे हैं किस किस के लिए सैड फील कर रहे हैं लिडगेट के लिए गोवर के लिए चौसर के लिए और इन्होंने वॉल्टर कैनेडी को भी यहाँ पे मेंशन किया है वॉल्टर कैनेडी कौन थे ही वॉज़ अ प्रोफेशनल ड्राइवल ऑफ डम्बर तो उनके टाइम पर ही एक और बंदा लिखता था प्रोफेशनल थे दोनों तो इन्होंने उनको भी अपने वर्क में एडमायर किया है और जो इनका सेकेंड वर्क है द फाइटिंग ऑफ डंबर एंड कैनेडी इसमें फ़ाइटिंग की स्पेलिंग अलग है फ्लाइटिंग लिखा हुआ है इसमें तो इसकी स्पेलिंग जैसे मैंने बोला पहले की वर्क्स है तो इनकी लैंग्वेज अलग है स्पेलिंग्स uh, अलग है तो इस वर्क में द फाइटिंग ऑफ डंबर एंड कैनेडी में इन्होंने कैनेडी को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया है इससे पहले के वर्क में द लेमेंट फॉर द मेकर्स में इन्होंने उन्होंने प्रेज किया है ऑन द वन हैंड इन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें प्रेज किया ऑन द सेकंड हैंड इन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया है तो लास्ट जो पर्सन बचते हैं वो है थॉमस मेलोरी वो बहुत ही टाइम लेगा मतलब कि एक पूरा लेक्चर वही ले लेंगे तो उनको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द कंटेंट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय